बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी अपनी 10th क्लास इस्लामियत लाजमी का चैप्टर नंबर 25, जो कि आप लोगों का बाप नंबर शीशम हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम का जो है वो हमारे पास फोर्थ टॉपिक है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और उससे पहले हम लोगों ने चार जो है वो टॉपिक डिस्कस किए थे, हज़रत अमाम के ऊपर, हज़रत उमर, अमरु बिन अलास, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, जो हमारा लास्ट लेक्चर था। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है जी हज़रत अनस बिन मालिक के बारे में। हज़रत अनस बिन मालिक के बारे में हम लोग छोटी क्लासेस में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ के आ चुके हैं। इनका एक जो एक से दो कोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ये बहुत करीबी थे, और इनके खिलाफ सफ़ात के बारे में जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर है आपके पास ये चैप्टर नंबर 25, और इसमें एक बिल्कुल छोटा सा आप लोगों का चैप्टर, बहुत आसान वर्डिंग में है। और चैप्टर नंबर ये जो आपका बाप शीशम है उसमें सबसे आसान चैप्टर जो मुझे लगता है कि जो है वो आप लोगों का हज़रत अनस बिन मालिक के ऊपर है, बहुत आसान वर्डिंग है, बहुत इजी वे में जिसने लिखा है बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है, एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर जो हमने पीछे पढ़े हैं जो कि मुख्तलिफ सहाबा कराम के ऊपर थे और सूफिया कराम के ऊपर, और एज़ कम्पेयर टू जो आगे आपके पास आएंगे वो उससे थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। तो हज़रत अनस बिन मालिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इनकी हालात ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे, इनके मनुमाया पहलू क्या थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वालदा के कहने पर जो है वो इनको कौन सी दुआ दी थी। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने किस तरह से जो है वो हदीस रवायत की है, इनका हदीस में क्या इंटरेस्ट था, बचपन इनका कैसे गुजरा, और ये किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए जो है वो वक्फ हो गए थे, ये हमने आज डिस्कस करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सपोर्ट की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये है जी हमारे पास पेज नंबर 87। स्टार्ट करते हैं जी, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम अंस, कुनियत अबू हमजा, और लकब खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालदा हजरत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ताल्लुक बनु नजार से था, जो इंसारे मदीना का एक मुअज़्ज़ज़ कबीला था। तो उनका ताल्लुक कहाँ से है जी, बनु नजार, जो कि इन सारे मदीना का एक मुअज़्ज़ज़ कबीला है। अंसार और मुहाजिरीन की मिसाल जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है, तो इन सारे मदीना, जब वो मदीना में इंसार आए थे, उनके एक मुअज़्ज़ज़ कबीला है बनू निजार, उनसे जो है वो इनका ताल्लुक है। ये आपके पास आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जिसमें आपने बताना है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख्तसर तारुफ बयान करें, उसमें आपने सिर्फ ये टू लाइन्स एक्सप्लेन कर देनी है। इसके अलावा इसमें आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। उनका नाम अनस है, कुनियत इनकी अबू हमजा है, और लकब क्या है जी, खादिमे रसूल, और वालदा का नाम उम्मे सलीम है, और ताल्लुक इनका किस कबीले से है, इन सारे मदीना का एक मुअज़्ज़ज़ कबीला बनू निजार से जो है वो इनका ताल्लुक है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत नबी से 10 साल पहले मदीना मनवरा में पैदा हुए। अब ये कहाँ में पैदा हुए जी, मदीना में पैदा हुए हिजरत नबी से पहले। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबीले के अक्सर अफराद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मनवरा तशरीफ लाने से कबल तौहीद और रिसालत के इल्मबरदार हो चुके थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा ने भी बैते उकबा सानिया से बेशतर दीन ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इनकी वालदा ने कहाँ से दीन इस्लाम कबूल किया जी, बैते उकबे सानिया के वक्त जो है उन्होंने, इनकी वालदा ने जो है वह इस्लाम कबूल किया था। और आप आगे चल के पढ़ेंगे भी कि इनके वालदा ने जो है, वालिद साहब जो है, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हज़रत अनस के वालिद ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो मदीना छोड़ कर चले गए थे। आपकी वालदा माशदा ने हज़रत अबू तलहा से निकाह किया। अब उनकी वालदा ने, हज़रत अनस की वालदा ने किन से निकाह किया जी, हज़रत अबू तलहा से। हज़रत अबू तलहा से जो है उन्होंने निकाह किया था, क्योंकि उनके वालिद जो है वो छोड़ के चले गए थे, उन्होंने निकाह नहीं किया, सॉरी इस्लाम को कबूल नहीं किया था। तो फिर जब वो छोड़ के चले गए थे तो उन्होंने किन से निकाह कर लिया जी, हज़रत अबू तलहा से। हज़रत अबू तलहा का क्या ताल्लुक है, उनका क्या मुकाम है। हज़रत अबू तलहा जो है, हज़रत अबू तलहा ने बैते उकबे सानिया में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर मक्का मुकरमा जाकर बैत की थी, यानी कि बैते उकबे सानिया में ही उन्होंने भी बैत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर, और कहाँ जाके की थी, मक्का मुकरमा में। इस तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा घर जो है वह नूर ईमान से रोशन था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उनकी वालदा ने हजरत अबू तलहा से निकाह क्यों किया था, क्योंकि उनके जो वालिद साहब थे हजरत अंस,
कि उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था और वो मदीना छोड़ के चले गए थे। तो जब वो छोड़ कर चले गए तो उनकी वालदा ने हज़रत अबू तलहा से जो है वो निकाह कर लिया था, और हज़रत अबू तलहा ने भी बैत उकबा सानिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे जो है वो बैत की थी। आगे है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनवरा में इकामत अख्तियार फरमाई तो हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को लेकर मत अकदस में हाजिर हुई और दरख्वास्त की कि अंस को अपनी खिदमत में कबूल कर लीजिए। आपने मंजूर फरमाया और आपने खादिम रसूल के लकब से शोहरत पाई। तो ये लकब किसने दिया था जी? हमारे प्यारे नबी ने ही हज़रत अंस को खादिम रसूल का जो है वो लकब दिया था। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक अपने फ़र्ज को नहायत अहसन अंदाज से अंजाम दिया। आप कमोबेश 10 बरस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसी की बात है कि हज़रत अंस ने जो है वो कितना अर्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, 10 बरस। 10 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। इस 10 साल के अरसे में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है और अपने आप को हमेशा इस शर्फ पर नाज रहा, और उन्हें इस चीज़ पर बहुत नाज था कि वो उन्होंने 10 साल तक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना ये फ़र्ज अंजाम दिया था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल था कि फजर की नमाज से पहले दौरे अकदस पर हाजिर हो जाते और दोपहर को अपने घर वापस आते, जोहर के वक्त फिर हाजिर होते और असर तक रहते, नमाज असर पढ़कर अपने घर का रुख करते। ये आपके पास आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी के हवाले से हज़रत अंस बिन मालिक का क्या मामूल था। तो उसमें आपके पास ये 2 लाइंस आपका आंसर होंगी कि नमाज की फजर की नमाज से जो पहले ही है वो हाजिर हो जाते थे और फिर दोपहर को घर वापस जाते थे, जोहर के वक्त फिर हाजिर होते और असर तक रहते थे और फिर असर की नमाज पढ़कर जो है वो दोबारा घर वापस जाते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़र व हिज्र में हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मोहब्बत से 19 कहकर मुखातिब करते, तो उन्हें क्या कह के मुखातिब करते थे, क्या नाम था? अंस था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से उन्हें 19 कह के जो है वो मुखातिब किया करते थे। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 बरस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कभी खफा हुए ना कभी किसी काम के बारे में ये फरमाया कि अब तक क्यों ना हुआ। ये आपके पास आपके एक्सरसाइज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि हज़रत अंस बिन मालिक ने कितने साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। 10 साल 10 बरस का अरसा जो है वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वक्फ किया था। अल्लाह ताला ने हज़रत अंस बिन मालिक को कसीर औलाद से नवाजा था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि कौन से जो है वो वही शख्सियत है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कसीर औलाद से नवाजा था। तो हज़रत अंस बिन मालिक हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कसीर औलाद से नवाजा था, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर था। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अंस बिन मालिक के मकान पर तशरीफ़ ले गए। उम्मे सलीम जो कि उनकी वालदा है ने अर्ज़ किया, अंस के लिए दुआ फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देर तक दुआ की और आखिर में ये कलमात जुबान मुबारक से इरशाद फरमाए जो कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2480 में आपको मिल भी जाएंगे। अल्लाहुम्मा अक्सर मालहु ववाला दहु वबारिक लहु फीमा आतैताहु। ए अल्लाह, अंस के माल में इजाफा फरमा और इसकी औलाद ज्यादा कर, और जो तूने इसको अता फरमाया है उसमें बरकत दे। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि दो बातें पूरी हुई। दो बातें क्या जी? माल में इजाफा फरमा और उसकी औलाद ज्यादा कर। दो बातें तो ये हो गई, अब तीसरी का मुंतजिर हूँ यानी कि जो उसके पास है उसमें बरकत दे। माल की यह हालत थी कि इंसान में कोई शख्स उनके बराबर मालदार ना था। इतना माल था उनके पास कि सबसे ज्यादा मालदार आदमी जिसे हम आजकल कहते हैं जी मोस्ट मिलियनियर, मिलियनियर एंड मिलियनियर, तब के जमाने में जो है वो हज़रत अंस जो है उनके पास इतना ज्यादा माल था कि उनके बराबर किसी के पास माल नहीं था। औलाद में इस कदर बरकत थी कि आपके बेटों बेटियों और पोते पोतियों की तादाद 100 से ज्यादा थी, और ये बहुत बड़ी तादाद है, तो 100 से ज्यादा थी। तो दो बातें तो उन्होंने बता दी, माल में इजाफा फरमा, ये भी दुआ कबूल हुई, और औलाद ज्यादा कर, ये भी उनकी दुआ कबूल हुई। अब वो किसका मुंतजिर थे? तीसरी दुआ के कबूल होने के मुंतजिर थे। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत थी। आप अक्सर अपने मकान, अच्छा जी ये आपकी जो ऊपर है हमारे पास, ये आप लोगों का फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, वो मेरे ऊपर जो है वो स्किप आउट हो गया। ये आपके एक्सरसाइज का फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अंस बिन मालिक के लिए क्या दुआ फरमाई, उसमें आपने ये कम्प्लीट दुआ को मैंशन कर देना है। हज़रत अंस को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत थी। आप अक्सर अपने मकान पर रहते और अपने बेटों को खुद तालीम देते थे। आपके बेटे ताबईन में खास इज्जत की निगाह से देखे जाते थे, जो हज़रत अंस की तलीम का असर था। तलीम और तालीम के अलावा हज़रत अंस माहिर तीर अंदाज भी थे। हज़रत अंस तलीम और तालीम के अलावा क्या थे जी? बहुत बड़े माहिर तीर अंदाज थे। आप अपने बेटों को खुद तीर अंदाजी सिखाते थे। हज़रत अंस की तबीयत फियाज थी,
आप नहायत मिलनसार और सबर और इस्तकामत वाले थे, यानी कि उनके अंदर कोई गरूर नहीं था, कुछ नहीं था, वो बहुत मिलनसार थे और सबर से काम लेते थे, किसी भी काम में जल्दी नहीं करते थे, गुफ्तगु बहुत ज्यादा और रास्तगोई से फरमाते थे। ये आपका जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें हम बताने के साथ अनस बिन मालिक के चंद सफात बयान करें, उनकी क्या सिफात है कि तबीयत प्यास थी, मिलनसार थे, सबर इस्तकामत वाले थे, गुफ्तगु बहुत ज्यादा करते थे और रास्तगोई से गुफ्तगु करते थे, हर फिक्र तीन बार दोहराते थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हजरत अंस अपना हर फिक्र कितनी दफा दोहराते थे, तीन मरतबा दोहराते थे। किसी के घर तशरीफ ले जाते तो तीन बार इजाजत तलब करते, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि तीन दफा जो है दरवाजे को खटकाया जाए और अगर दरवाजा ना खुले तो वापस लौट आए। इंतहाई सादा खाना तनावल फरमाते थे। आपको नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो कुर्ब हासिल था उसकी वजह से हर शख्स आपको मोहब्बत और इज्जत की निगाह से देखता था। हजरत अंस को हदीस रवायत करने में इंतहाई अहम मुकाम हासिल है। इल्मे हदीस की तरह आपको इल्मे फिक्का में भी कमाल हासिल था। इल्मे हदीस का तो था ही, साथ ही साथ कौन सा था जी, इल्मे फिक्का। तो ये अगर एमसीक्यू आ जाए और आपके पास इल्मे हदीस का ऑप्शन ना हो तो आपके पास कौन सा ऑप्शन मार्क होगा, इल्मे फिक्का। तो ये दोनों चीजें में ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। हुबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तबाए सुन्नत इमर बिल मरूफ और हक कोई हजरत अंस की नुमाया औसाफ थे। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये आलम था कि सुबह उठकर शाना नबूवत की जियारत से आंखों को ठंडा करते थे। सुबह काजिब की तरीके में हजरत उमर सलीम का ये कमसन बच्चा बिस्तर राह से उठता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान वजू मुहैया करने के लिए मस्जिद नबी का रास्ता लेता था। अय्याम शबाब में उनकी मोहब्बत की कोई हद ना थी, वो शमा नबूवत पर परवाना फार फरीफ्ता थे। आप का शुमार इन जलील कदर सहाबा कराम में होता है जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कलमबंद करने की तलकीन फरमाई और उन्होंने आपके अकवाल को लिखकर महफूज फरमाया, यानी कि ताबई हदीस भी थे हजरत अंस बिन मालिक। हजरत अंस रज़ियल्लाहु तआला ने 93 हिजरी में जो है वफात पाई, यानी कि 93 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ था। वफात से कबल चंद माह बीमार रहे, आपके शगिर्दों और अकीदतमंदों का हजूम रहता था और दूर और नज़दीक किसे लोग अयादत को आते थे। बसरा में वसार फरमाने वाले सहाबा कराम में आप आखिरी सहाबी रसूल हैं। तो बसरा में जिन सहाबा का इंतकाल हुआ उनमें जो है वो हजरत अंस जो है वो आखिरी सहाबा हैं जिनका इंतकाल हुआ था। तो बसरा में वसाल पाने वाले, वफात पाने वाले जो है वो उनमें आखिरी ये सहाबा कराम हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बसरा में सहाबा कराम में कौन से हैं जी, आखिरी सहाबी रसूल है जिन्होंने बसरा में वफात पाई थी। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, इसमें हमने डिस्कस किया रीडिंग को और शॉर्ट क्वेश्चन को साथ साथ डिस्कस किया। आगे चलते हैं जी जल्दी से शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जी। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू है, हजरत अंस की कुनियत है अबू हमजा। नंबर टू, हजरत अंस की वालदा है हजरत उम्मे सलीम। नंबर थ्री, नबी करीम हजरत अंस को मोहब्बत से जिस नाम से मुखातिब फरमाते थे 19। हजरत अंस को कमाल हासिल था इल्मे हदीस और अगर ये आपके पास ना हो और इल्मे फिका का आपके पास ऑप्शन हो तो आपने उसको मार्क कर देना है। नंबर फाइव, हजरत अंस बिन मालिक का लकब है खादिमे रसूल। पांचों शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने कर ली हैं साइड बाय साइड। लास्ट पे आ जाते हैं जो हमारे पास मेन कंसर्न होता है जी, तफसीली जवाब दें। हजरत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हों की शख्सियत पर जामिया नोट लिखें। तो ये चीज आपने बतानी है और इसमें हमारे पास कम्प्लीट जो है वो टॉपिक आ जाता है। वापस चलते हैं जब भी टेक्स्ट की तरफ और साथ साथ हेडिंग्स को भी बताते देखते जाते हैं कि किस तरह से हमने हेडिंग्स जो है वो मेंशन करनी है। और जो आपके पास पिंक हाइलाइटेड टेक्स्ट होता है वो आप लोगों के पास जो होता है वो हेडिंग का टेक्स्ट होता है और अगर हमें जहाँ पे उसे मॉडिफाई करना पड़ता है वो मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि मैंने मेन टेक्स्ट हाईलाइट किया होता है वो हेडिंग की फॉर्म जो होता है वो हम साथ साथ कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग देनी है जी आप लोगों ने तारुफ की। सबसे पहले आपके पास हेडिंग आएगी तारुफ की, उसमें आपने क्या करना है जी, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है जो कि आपके पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का स्टार्ट भी था और उसमें आप लोगों के पास यहाँ तक की कंप्लीट पैराग्राफ जो होगा वो मेंशन होगा, ये सारा तारुफ आ जाएगा। नबी आगे हमारे पास हेडिंग आएगी जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मनवरा में अकामत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मनवरा में अकामत, ये अख्तियार का वर्ड आप हेडिंग में मेंशन नहीं करेंगे और ना ही आपने ने का वर्ड मेंशन करना है। आपने मेंशन करना है जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मनवरा में अकामत, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ से लकब शोहरत पाई यहाँ तक आपने उसको कम्प्लीट डिटेल के साथ मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जो कि मैंने इंग्लिश टेक्स्ट में मेंशन किया हुआ है और आपके सामने पढ़ भी देती हूँ ताकि आप लोग लिख सकते हैं अपने नोटबुक्स में। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का ममूल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अंस की हाजिरी का ममूल। तो आप ये हेडिंग लिखेंगे अपनी नोटबुक्स में, अपने बुक्स में आप साथ लिख लें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अंस की हाजिरी का ममूल। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और आपने यहाँ तक जो है वो कम्प्लीट मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है
कसीर उलाद की दुआ, कसीर उलाद की दुआ, ये आपने हेडिंग देनी है और उसमें यहाँ तक आपने कंप्लीट मेंशन करना है, 100 से ज्यादा थी। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है जी औलाद से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत बहुत कवर्ड आप काट देंगे और यहाँ से आप हेडिंग देंगे जी औलाद से मोहब्बत, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट मेंशन कर देना है, तीर अंदाजी सिखाते थे। नेक्स्ट आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है जी हजरत अंस की सिफात, यहाँ पे जो आपके पास फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन भी था हजरत अंस की सिफात, उसमें आपने ये कंप्लीट पैराग्राफ मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी जी हदीस रवायत करने में अहम मुकाम, हदीस रवायत करने में अहम मुकाम, उसमें आप लोगों ने यहाँ से कंप्लीट पैराग्राफ को जो है वो मेंशन कर देना है। लास्ट पे आप हेडिंग देंगे जी वफात और बसरा में वसार फरमाने वाले आखिरी सहाबी रसूल, वफात में आप लिखेंगे यहाँ तक और यहाँ से एक और एक मजीद हेडिंग देंगे जो कि आपका इजाफा हो जाएगा, बसरा में वसार फरमाने वाले आखिरी सहाबी रसूल, बसरा में वसाल पाने वाले आखिरी सहाबी रसूल, या अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप वफात की हेडिंग में उसको लिख के कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था जी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया। सबसे पहले आपके पास हेडिंग आई तारुफ, नेक्स्ट आएगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मनवरा में अकामत, फिर आपने हेडिंग देनी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अंस की हाजिरी का ममूल, कसीर औलाद की दुआ, औलाद से मोहब्बत, हजरत अंस की सिफात, हदीस रवायत करने में अहम मुकाम और वफात और बसरा में वसार फरमाने वाले आखिरी सहाबी रसूल। उसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 25 हजरत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर था वो हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनके इसको भी डिफिकल्टी को आई या किसी चीज़ों को मुझसे कहीं बताने में रह गई हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।